नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी। आज हम सीखेंगे एक बंद जिसको अंग्रेजी में लॉक कहा जाता है। चार तरीके के बंद होते हैं, पर हम एक एक बंद की अलग अलग वीडियोस लेके आएंगे। जालंधर बंद, दूसरा होता है उद्यान बंद, तीसरा होता है मूल बंद, और जब हम तीनों बंद को एक साथ लगाते हैं तो वो कहलाता है महाबंद। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे जालंधर बंद। टॉप से बॉटम शुरू करते हैं। पहले जालंधर बंद अच्छे से सीखेंगे, उसको क्यों करना चाहिए, क्या उसका मीनिंग है, क्या फ़ायदे हैं, राइट टेक्निक समझना बहुत ज़रूरी है, तो वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जालंधर बंद के मीनिंग को पहले समझते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है जाल और दूसरा है धारा। जाल का मतलब हुआ नेट। जाल यहाँ पर जो प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसका मतलब हुआ जो हमारे एनर्जी चैनल्स होते हैं, जिनको हम नाड़ियाँ बोलते हैं, वो आपस में प्राण फ्लो करती हैं। तो जब हम उसको एक्टिवेट करते हैं तो अपने हिसाब से हम उसे चैनलाइज कर सकते हैं, और जब हम बंद लगाते हैं तो हम अपने बॉडी के ओपनिंग्स को क्लोज करते हैं, चैनलाइज करते हैं उस एनर्जी को, और उससे हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फ़ायदे होते हैं, और हर बंद का अपना एक अलग रोल होता है। तो जालंधर बंद में जाल का मतलब हुआ नेट ऑफ एनर्जी चैनल्स, और जो धारा है वो होता है बहाव यानी कि फ्लो, और बंद हो गया लॉक। तो जब हम इन चैनल्स को अपने हिसाब से लॉक लगाते हैं उसको कहते हैं जालंधर बंद। अब मैं इसके आपको फ़ायदे बता देती हूँ। जालंधर बंद में हमारी ये वाली हिस्सा जो होता है नेक का, ये और चेस्ट का हिस्सा यूज़ होता है, तो सबसे अच्छा ये आपके लिए है, आपके थायराइड बैलेंस के लिए, आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड के लिए। थायरॉयड के ऊपर एक और ग्लैंड होती है जो दूसरे फंक्शंस को देखती है, इन दोनों ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है। तो अगर आपको थायरॉयड से रिलेटेड दिक्कतें हैं तो उसके लिए ये बहुत अच्छा लॉक है। साथ के साथ ये आपके कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम जो होते हैं, जिन लोगों को साइनस का प्रॉब्लम है, गला बंद रहता है, जिनको कफ बहुत बनता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। साथ में जिन लोगों को टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन बहुत जल्दी होती है, टॉन्सिलाइटिस होते हैं, टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन की शांति के लिए बहुत अच्छा है, तो स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा कम करता है। और क्योंकि ये हमारे थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, इसके कारण हार्मोन इम्बैलेंस की जो समस्या होती है उसको ठीक करता है। एक इम्पॉर्टेंट इसका फंक्शन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग वोकल आर्टिस्ट हैं, जो लोग सिंगिंग में जिनका प्रोफेशन है, क्योंकि जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, उनमें बहुत सारा ब्लड सर्कुलेशन चाहिए होता है, और जो लोग गायक होते हैं उनको जब रियाज करना होता है तो उनके वोकल कॉर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो उन लोगों को ये ज़रूर करना चाहिए। वो बहुत हेल्दी होते हैं, आपका ओवरऑल मेटाबॉलिज्म भी, आपकी थायराइड ही क्योंकि कंट्रोल करती है तो आपका मेटाबॉलिज्म भी इससे काफ़ी बूस्ट होता है। तो ये बहुत अच्छा बंद है। किन लोगों को नहीं करना चाहिए वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी अभी कोई हार्ट सर्जरी हुई है तो कम से कम आप 3 से 4 महीने रुक के इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। वर्टिगो जिन लोगों को है उन लोगों को ये प्रैक्टिस नहीं करना है। सर्वाइकल अगर आपको बहुत ज़्यादा होता है तो भी आपको ये नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको हाइपरटेंशन की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, तो जैसे अगर आपको हाई बीपी आज है तब आपको नहीं करना है, बट अगर आपको लग रहा है आपका बीपी अंडर कंट्रोल है तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इसकी टेक्निक सही जानना ज़रूरी है, वो हम आगे अब वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम लोग 3 स्टेप में सीखेंगे। पोस्चर जानेंगे कि किस तरीके से बैठा जाता है, और फिर उसके बाद जानेंगे कैसे सांस को लेते हैं, होल्ड करते हैं, और फिर किस तरीके से लॉक लगाते हैं, और तीसरे में जानेंगे स्टेप में कि किस तरीके से सांस को रिलीज़ करना होता है लॉक खोल करके। तो पहले हम सीखेंगे बैठना, लॉक लगाना, और फिर लॉक को ओपन करना। स्टार्ट करते हैं पोस्चर से। पोस्चर इसमें सिद्धासन बोला जाता है कि लगाना चाहिए। पद्मासन आप लगा सकते हैं, सुखासन भी लगा सकते हैं। अगर आप नीचे ज़मीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पर बैठ के इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम करते वक्त बताएंगे। और जो आपका पोस्चर होता है कंधों का, वो हम जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो शोल्डर ब्लेड्स का इसमें काफ़ी इस्तेमाल होता है, वो हमें स्ट्रेट रखना होता है और हमारी स्पाइन एकदम सीधी रहती है। हाथों का पोस्चर भी हम लोगों का हमेशा नी पर रहता है, जो आपकी हथेली है बाकी प्राणायाम में आपने देखा होगा ऊपर की तरफ रहती है, इसमें नीचे की तरफ रहती है, क्योंकि जब आप अच्छे से बंद लगाते हैं तो आपको ये सीधा करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही आप इसे सीधा करेंगे आपके कंधे पीछे रोल बैक होंगे, चेस्ट बाहर आएगा, क्योंकि जो चिन है और चेस्ट आपस में मिलेगी तब ये लॉक लगेगा। तो ये हमें पोस्चर में ध्यान देना है।
अब बात करते हैं स्टेप नंबर टू कि इसमें हम लोग सांस अंदर कैसे लेते हैं और लॉक कब लगता है। तो जैसे ही हम इसे सांस अंदर लेते हैं, तो जब आप पानी पीते हैं तो जैसे घूंट लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से सांस अंदर ली मैंने, देखिए इसको जो हवा है उसको अंदर गट का, और उसके बाद जो मेरी टंग है, मेरी जीभ है, उसका जो ऊपर वाला सरफेस है उसको आप ऊपर के तालू पर चिपका देंगे, ठीक है, वहाँ पर लगा देंगे और जो हवा है उसको अंदर गटक लेंगे अच्छे से। और ये हुआ हमारा स्टेप नंबर टू, जिसमें हम लॉक लगाना सीख रहे हैं। लगाते कैसे हैं, जैसे ही हवा अंदर ले ली, जीभ हमारी तालू पे लग गई, उसके बाद हम अपनी चिन को धीरे धीरे चेस्ट की तरफ ले जाते हैं, और जो मैंने अंदर सांस लेके गटक के रोका हुआ है इसको कहते हैं अंतरकुंभक। तो जो अंतरकुंभक की वीडियो है अगर आप उसे देखेंगे तो वो पहले लगाना सीखें, क्योंकि बंध आप तभी सीख सकते हैं जब आपको कुंभक लगाना अच्छे से आता है, क्योंकि वरना आप सांस नहीं रोक पाएंगे अगर, तो बंध कैसे लगेगा। तो पहले कुंभक सीखेंगे फिर बंध सीखेंगे, ठीक है। तो पहले पहला और दूसरा स्टेप मैं आपको करके बताती हूँ। पोस्चर पे आ गए, सीधे बैठ गए, सुखासन में कर लेते हैं, ठीक है। हाथों को हथेलियों को रख दिया इस तरीके से, सामने देखेंगे, सांस अंदर, अंदर गटक लीजिए, जीभ को आपको ऊपर लगाना है, धीरे धीरे अपनी चिन को नीचे ले जाएं। ये जो अभी हुआ है ये अभी हाफ लॉक का काम हुआ है। अब इधर से हमारा चेस्ट एक्सपेंड करेगा, इधर से हमारी चिन आई, फिर ये चेस्ट आया, दोनों आपस में कस के जब टाइटली बंद हो जाएंगे तो जो हमने हवा अंदर ली है, और हवा हमें अंदर कहाँ लेनी है, अपने बेली, अपने एब्डोमेन में, यहाँ पर हवा को नहीं रोकेंगे, ठीक है, हवा अंदर तक लेंगे। तो लॉक का आधा हिस्सा तब होता है जब चिन पास आती है, और फिर जैसी चेस्ट पास आता है तो पूरा लॉक लगता है। तो पूरा लॉक कैसे लगाएंगे, सामने देखेंगे, सांस अंदर लेंगे, जब मैंने चेस्ट को बाहर लाया दो चीज़ें हुई यहाँ पे, आपने देखा होगा जब भी हम बैठते हैं तो हमारा हाथ जो है मुड़ता है, क्योंकि ये हमारे हाथ यहाँ पे लंबे हैं हमारी बॉडी से, पर जब हम अपने हाथ को सीधे करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपने देखा होगा हमारा चेस्ट क्या होता है, फूलता है और पीछे की तरफ जा रहा है इस तरीके से। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा चेस्ट जो है, यहाँ पे एक हड्डी होती है उसको स्टर्नम कहते हैं, वो आती है सामने की तरफ। उसके आने से क्या होता है, हमारा यहाँ पे जो डबल चिन जिसको हम बोलते हैं, ये वाला जो फ्लैश है, हमारी चिन है और चेस्ट, ये तीन चीज़ें आपस में टकराती हैं, और जब चिपक जाती हैं अच्छे से टाइटली, देखिए आप इसे अभी साथ में मेरे करेंगे तो आपको फील होगा, और फिर आप अपनी चिन पास लाके देखिए, सिर्फ इतना ही करेंगे तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पर आपको टाइट एक फीलिंग आनी चाहिए, कि जैसे किसी ने आपके गले को अच्छे से पकड़ा हुआ है। पर घुटन महसूस इसलिए नहीं होगी क्योंकि आप कुंभक प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब ये सारी की सारी चीज़ें साथ में जब हम कर लेंगे और सांस को 5 सेकंड के लिए रोकेंगे, इसको कहा जाता है बंध का लगना, ठीक है। सांस रोके रहेंगे अंदर, और निकालनी कैसे है, निकालेंगे तभी जब हमारी चिन ऊपर आ जाएगी, लॉक खुल जाएगा, आपकी जीभ जो है तालू से नीचे आ जाएगी, और फिर धीरे धीरे आप नाक से सांस को बाहर निकालेंगे। देखिए अगर मैं आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ तो वो सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप एक्चुअली प्रैक्टिस करते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि जो यूट्यूब की वीडियो देखी थी उसमें ये समझ में नहीं आया, ये बात नहीं बताई। तो इसीलिए मैं आपको एक पूरा स्टेप बाय स्टेप जर्नी बता रही हूँ कि आपको कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ लगानी है, कैसे खोलनी है, ताकि जब आप करें तो आपको लगे कि हाँ आपने सीखा है, ठीक है। तो पहले स्टेप से शुरू करेंगे लॉक को खोलने तक, मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ और फिर मैं आपको दोबारा से नरेट करके बताऊँगी कि मैंने क्या क्या किया है, ठीक है। चलिए
धीरे से मैंने अपनी आँख खोली। मैंने क्या किया, पहले मैंने अपने हाथ को रखा, सामने देखा, रिलैक्स हुए, सांस अंदर भरी, फिर जैसे पानी पीते हैं उसी तरीके से घूंट लेके सांस को पूरा अंदर कर लिया, जीभ के सरफेस को तालू से ऊपर चिपका दिया, उसके बाद चिन को धीरे धीरे चेस्ट की तरफ लेके गए, इतना जितना आपका चेस्ट के पास आने लगा। उसके बाद मैंने अपनी कोनी सीधी की, शोल्डर ब्लेड पीछे किए, चेस्ट को भी आगे किया, चिन को भी पास मिलाया और दोनों को चिपका दिया। वहाँ पे मैं रुकी रही 5 सेकंड के लिए, सांस को अंदर रखा मैंने, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जिस तरीके से वापस आए थे तो सबसे पहले जो सीधे हाथ हैं उनको वापस लाए, चिन ऊपर आई, दोनों चीज़ें रिलैक्स हुई, जीभ जो है तालू से हटके नीचे आई, और फिर धीरे धीरे मैंने नॉस्टल से सांस को बाहर निकाल दिया। अगर आप अच्छे से कुंभक करते हैं तो ये आसान लगेगा, और अगर कुंभक नहीं करते हैं तो इतनी भी देर सांस रोकना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। तो सही तरीका क्या है, शुरू में लॉक लगाना सीखें, सांस ज़्यादा देर ना रोकें, ठीक है। सांस को सिर्फ 1 या 2 सेकंड रोके तुरंत लॉक खोल दें। पहले लॉक लगाना, खोलना बहुत ज़रूरी है, फिर धीरे धीरे कुंभक लगाना उसके साथ हम कर सकते हैं। फिर से मैं आपको एक बार और करके दिखाती हूँ। चलिए, हाथ ऐसे रखे रहेंगे, सामने देखिए, सांस अंदर लेंगे, गटकेंगे, जीभ को ऊपर लगाएंगे और चिन ले के नीचे जाएंगे। इतना करते हैं, आंखें बंद, हल्के से फिर अपनी आंखें खोल दें। तो ये पूरा एक बंद का मतलब एक साइकिल हो गई। इसको आप 2 से 3 बार कर लें। 5 सेकंड होल्ड नहीं कर सकते हैं तो 3 या 2 सेकंड से शुरू करें, और ज़्यादा कर सकते हैं तो 10 से 15 सेकंड भी आप इसको कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हुई जलंधर बंद के बारे में। इसके बाद बाकी जो 2 और बंद हैं वो भी साथ में आप लगाते हो, और जब तीनों को साथ में लगाते हो वो महाबंध होता है, जो सबसे टफ होता है। तो एक एक वीडियो आएगी सारे बंद के बारे में। पहले आप जलंधर सीखिए, कमेंट में मुझे बताइए कि क्या आप कर पाए, और अगर नहीं कर पाए तो कौन से स्टेप पे आप अटक रहे हो। जिस स्टेप पे आप अटक रहे हो, जहाँ पर भी आपको दिक्कत आ रही है, नीचे तुरंत कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं आपको रिवर्ट करूँगी और आपको सही गाइडेंस दूंगी। क्योंकि आइडिया है सही तरीके से बंद को लगाना, और वीडियो में अगर कोई चीज़ क्लैरिटी नहीं आ पाती है तो वो कमेंट बॉक्स है जिसमें हम क्लियर करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज का बंद का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आगे फिर किसी और वीडियो के साथ दोबारा आपको मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।